हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज बनाते हैं एक बहुत ही फेमस नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर जिसका नाम है पोटैटो चॉप्स। ये बनता है पोटैटोस और मिंस से। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये पोटैटो चॉप्स टू पार्ट में बनता है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिंस। तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर अराउंड एक टेबलस्पून तेल गरम किया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 चॉप्ड अनियन। या तो आप एक बड़ा प्याज ले लें या फिर 1.5 से 2 छोटे प्याज को फाइनली चॉप करके उसको इस गरम तेल के अंदर डालें। इसको मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते कर लूँगी। फिर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इन सबको भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। बस 3 से 4 मिनट के बाद मैंने डाला है इसके अंदर ग्रीन चिली बारीक चॉप। ये स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो ग्रीन चिलीज मैंने यूज़ की है वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। और अब डालूंगी मैं फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम्स। इसको डालना भी ऑप्शनल है, पर इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डाल रही हूँ हमारा मिंस। ये करीबन 500 ग्राम लैम मिंस है। आप चाहें तो चिकन मिंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखें चिकन मिंस थोड़ा जल्दी कुक होगा। बस अब इस मिंस के अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। ये है 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 बड़ी चम्मच, और डालिए स्वाद के अनुसार थोड़ा सॉल्ट और 1/2 कप के करीब पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर ढक के स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक होने दूँगी। बस अब जब ये 8 से 10 मिनट के करीब कुक हो गया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस अब फिर से मैंने ढक के इसको तब तक कुक करना है जब तक मेरा मिंस पूरी तरह से गल ना जाए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद मिंस अच्छे से गल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे इसको खुला पैन में थोड़ा सा ड्राई करना है, क्योंकि पोटैटो चॉप्स बनाने के लिए हमें मिंस जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई चाहिए। तो मैं इसको थोड़ी देर ओपन पैन के अंदर इसका जो जितना भी मॉइस्चर है वो निकालने की कोशिश करूँगी और फिर इसको ठंडा करके और पोटैटो चॉप्स बनाएंगे। अब ये देखिए ये प्रॉपर मिंस हमारा रेडी है विद द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। पोटैटो की टिक्कीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटो। मैंने 4 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, फिर लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और चॉप्ड कोरिएंडर। अब सबसे पहले मैं करूँगी पोटैटोज़ को मैश। आप चाहें तो पोटैटोज़ ग्रेट कर सकते हैं, पर मुझे जो टिक्की बनाने में सबसे अच्छा लगता है वो है उसको हाथ से या पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करना। बस अब मैंने मैश करके इसके अंदर नमक, मिर्च और कोरिएंडर डाल दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बस इसको मैश अच्छे से करके मिक्स करके हम एक असाइड रख लेंगे। बस अब शुरू करते हैं अदर प्रेप्स। एक अंडा मैंने अच्छे से फेंट के इसको साइड में रख लिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स जिसको हम कोटिंग की तरह यूज़ करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सीजन करते हैं। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। बस इसको मिक्स करके एक साइड में रख लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं पोटैटो चॉप्स बनाना। मैंने ये मिंस जो है बोल में निकाल लिया है, ये अच्छा ठंडा है। और अब शुरू करते हैं पोटैटो चॉप्स की असेंबली। तो हाथ पे लगाती हूँ थोड़ा सा तेल, तब लूँगी थोड़ा सा मैश्ड पोटैटो और इसको इस तरह से एक बॉल की तरह हम बना लेंगे और इसको प्रेस करके इसके बीच में एक कैविटी सी हम बनाएंगे जिसमें हम फिल करेंगे हमारा मिंस। तो लूँगी थोड़ा सा मिंस 1 चम्मच के करीब, इस पर डालूँगी और इसको साइड से इस तरह से बंद कर दूँगी। आप चाहें तो उसके ऊपर एक और छोटा सा पोटैटो का पीस लगा सकते हैं इस तरह से।
और इसको अच्छे से गोल गोल घुमा के और हमें सील कर देना है चारों तरफ से, और फिर इसको एक टिक्की की शेप देनी है कुछ इस तरह। तो इसी तरह मैं अपने सारे पोटैटो चॉप्स जो हैं बना लूँगी। लूँगी थोड़ा सा मैश पोटैटो और करूँगी उसको एक बॉल की शेप में राउंड, फिर बनाऊँगी थोड़ी सी कैविटी और डालूँगी हमारा मिंस और ट्राई करेंगे उसको चारों तरफ से सील करने का इस तरह। बस अब ये बन गया है और इसको मैं पैटी की शेप दे देती हूँ कुछ इस तरह। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी पैटीज तैयार कर लेती हूँ। बस अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। तो उससे पहले हम लेंगे हमारी पैटी, उसको डिप करेंगे एग मिक्स के अंदर और फिर उसको हम ब्रेड क्रम्स के ढेर में इस तरह से पैट करके चारों तरफ ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। और सारी पैटीज जो है वो हम इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते जाएंगे। और आप इन पैटीज़ को फ्रिज के अंदर कुछ घंटों के लिए रख भी सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपका मन किया फ्रीज़र से निकाला और डायरेक्ट फ्राइंग पैन पे फ्राई कर लिया। तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग पैटी है और आप इसको फ्रीज़ करके जब मन करे निकालें और डायरेक्ट तवे पे शैलो फ्राई कर लें। ऐसा फाइनल स्टेप है जिसमें हम एक तवे पे थोड़ा सा ऑयल शैलो फ्राइंग के लिए डालेंगे और इसका वेट करेंगे कि ये गर्म हो जाए। बस जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होने लगे हम उसमें एक एक करके हमारे पैटीज डालते जाएंगे। मैं यूजुअली इन पैटीज को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करती हूँ। उससे जो पोटैटोज हैं वो भी अच्छे गोल्डन क्रिस्पी होते हैं और जो ब्रेड क्रम्स हैं वो एक अच्छा गोल्डन कलर लेके आते हैं। तो इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 5 to 6 मिनट्स ईच साइड सेकेंगे। बस अब अराउंड 5 मिनट्स के बाद मैं एक टर्न करके देखती हूँ कि ये सिकी है कि नहीं, और ये परफेक्टली गोल्डन कलर की होगी और इसी कलर का हमें पोटैटो चॉप्स चाहिए। तो मैं सारे अपने जो पैटीज हैं उनको फ्लिप कर लूँगी धीरे धीरे और अनदर 5 मिनट्स ऑन द अदर साइड एज वेल। ये देखिए अब इसको करती हूँ थोड़ा सा फ्लिप और दूसरे साइड से भी बहुत अच्छी तरह सिक गई है। तो ये तैयार है हमारी पोटैटो चॉप्स। आप इसको चाहें तो केचप के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं या अमचूर की खट्टी मीठी चटनी के साथ। पर्सनली मुझे ये बिना किसी चटनी के ऐसे ही बहुत पसंद है। तो प्लीज़ ट्राई करें हमारी रेसिपी और हमें बताएं कैसी लगी आपको ये पोटैटो चॉप्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट द करी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।